गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन कमिंग केमिस्ट्री क्लास। टुडे इन पी ब्लॉक एलिमेंट आई विल कंटिन्यू इन द ऑर्गेनिक सॉरी ऑक्सीजन फैमिली एंड वी वर डिस्कस्ड अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स अ रिएक्टिविटी। नाउ टुडे आई विल सी वी आर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हम लोग आज जो है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। एनोमलस बिहेवियर होता क्या है? एनोमलस बिहेवियर वो होता है जो कि अपने ग्रुप से एक फैमिली के अंदर कोई एक मेंबर है ऐसा जो कि फैमिली से डिफरेंट उसका प्रॉपर्टी है। फैमिली की बारी बाकी प्रॉपर्टियां मिलती है लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फैमिली से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। जैसा कि हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर तो वहाँ पे हमने देखा था कि नाइट्रोजन किस तरह से कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा था अपने फैमिली से, उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन भी अपने फैमिली से एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, कुछ रिएक्शंस अलग शो करता है जिसकी वजह से वो अपने फैमिली से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर अपने फैमिली से एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? जो प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की जो है वो अपने फैमिली मेंबर से क्या एकदम डिफरेंट होती है और इसी डिफरेंट प्रॉपर्टी की वजह से हम एनोमलस बिहेवियर नाम देते हैं। इसी डिफरेंट प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसे एनोमलस बिहेवियर नाम देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसके पास एनोमलस बिहेवियर शो करता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अदर मेंबर ऑफ इट्स फैमिली ड्यू टू किसके कारण शो करता है? पहला कारण है स्मॉलेस्ट इन साइज, इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, इट इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मेंबर नंबर वन। दूसरा क्या होगा? हैव या हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इन ग्रुप
और सबसे बड़ी जो चौथी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा है लो, ड्यू टू हैविंग लो वैकेंट एयर होता है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये इसकी वजह है एनामलस बिहेवियर की। ऐसा ही एनामलस बिहेवियर हम लोग नाइट्रोजन में पढ़े थे इसी प्रॉपर्टी की वजह से, और ऐसी ही प्रॉपर्टी की वजह से फ्लोरीन भी अपने फैमिली से एनामलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो एनामलस बिहेवियर शो करने के पीछे क्या है, तो एक स्मॉलेस्ट मेंबर है, सबसे छोटा है, इसकी हाई जो है कि हाई इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ग्रुप के अंदर, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल केवल कह दे तो सही है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे एक तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर आई वो 18 है शायद। H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस, व्हाई एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि H2S लिक्विड है और सॉरी H2O लिक्विड है और H2S एक गैस है, क्यों? दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, जबकि दोनों क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है, उसका कारण क्या है? गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में क्यों पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए पाई जाती है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर है। ठीक है, इस वजह से वो स्ट्रांगली हाइड्रोजन को बॉन्डेड बॉन्ड किया हुआ है और पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, हाँ गुड। अब यहाँ पे इसका रीजन हमें क्या लिखेंगे? रीजन तो ये पहला हो जाएगा कि इन वाटर, आंसर यहां पे हो जाएगा इन वाटर ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर इन H2S टू विच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन वाटर एंड इट इज लिक्विड। लिक्विड ठीक है, ये चीज सल्फर में नहीं है क्योंकि सल्फर निगेटिव नहीं है, इतना ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से
हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, H2O का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रो निगेटिव होने की वजह से पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सल्फर उतना इलेक्ट्रो निगेटिव नहीं है जितना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और वाटर के फॉर्म में पाया जाता है। ये किसकी वजह से था? अब अगला क्वेश्चन अगर होता है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी वैलेंसी वाई एक्सप्लेन। यहां पे वाटर, यहां पे जो ऑक्सीजन है वो अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो एक्सपेंड ना करने के पीछे रीजन क्या है? एक्सपेंड ना करने के पीछे रीजन है क्योंकि ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसकी वजह से वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता है। सेकेंड पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंसी, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंसी। ठीक है, इसी वजह से ये अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है, इज ऑक्सीजन हैव सो सो पी पाई बॉन्डिंग इफ एस इफ एस आर एस और नो इफ एस क्या हो जाएगा, देन हाउ कैसे इफ नो देन वाई। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको समझ में आया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन पी पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है कि नहीं? क्वेश्चन नोट कर लिया होगा इधर, शो करता है कि नहीं? और अगर करता नहीं है तब तो क्यों नहीं कर सकता है, और करता है तो क्यों करता है? रीजन किसी के पास है? पहले यस होगा या नो? पी पाई बॉन्डिंग ऑक्सीजन में पॉसिबल है? एनीबॉडी? यस। हाउ कैसे पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है?
कैसे पॉसिबल है और क्यों है? अर्थ नहीं है, सॉरी, फिर से नहीं हो गया, आंसर पलट गए। और कोई? नहीं पता? कोई भी? किसी के पास इसका जवाब नहीं है? गुड, वेरी गुड। देखो कोई बात नहीं, आंसर क्या है यहाँ पे? हम लोग पी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी? यहाँ तो आंसर हो जाएगा पहले यस। हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के पास आपस में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है कि पी पाई बॉन्ड है। अब ध्यान में आया सबको? और इन सबके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू इन सबके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज। इन ग्रुप में छोटी साइज होने की वजह से ही ये पी पाई बॉन्डिंग कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज फ्लोरीन के इतनी होती तब थोड़ा मुश्किल हो जाती, ठीक है। अभी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो पाई बॉन्डिंग कर लेता है, समझे। और ये हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और उसके पीछे सिंपल सा रीजन है स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है, जानते हुए भी हम जवाब ना दे पाए। इसी वजह से हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग कर रहा था, ट्रिपल बॉन्ड बनाया था। तो जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां पे एक पाई बॉन्ड तो होगा ही। चलो कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसको नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन 20 हो गया। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी के बेस पे देखा जाए तो ये किस तरह का कंपाउंड बनाता है? ये जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स फॉर्म वोलाटाइल वोलेटाइल बाइवेलेंट हाइड्राइड, वोलेटाइल बाइवेलेंट हाइड्राइड ऑफ टाइप ME2 और O, MH2 और S2M, where M क्या है? M is the oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एलिमेंट है तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको, ठीक है। याद ये रखना है कि वोलेटाइल बाई वैलेंट हाइड्राइड, ठीक है। ये कहीं कहीं कंपटीशन में पूछ देता है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि सभी हाइड्राइड के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट H2O। आर हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स हैव
प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट H2O, H2O को छोड़ करके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंपटीशन वगैरह में पूछ देता है कि कौन सा हाइड्राइड ऑक्सीजन फैमिली का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। अभी हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिख दिया, वहां पे पूछ देगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है, क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो अब एक चीज बताई गई कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है कि वाटर नहीं शो करता है, बाकी शो करते हैं, तो इसका मतलब वाटर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों करते हैं ये भी ध्यान में रखोगे, ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल। किसी कंडीशन में ये न्यूट्रल प्रॉपर्टी की शो कर सकता है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलो एक ये हो गया हमारा, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है कि वो नीचे जाकर के क्या होती है, घटती जाती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लिया सबने? जल्दी जल्दी नोट कर लो, दो या स्क्रीनशॉट ले लो। रिड्यूसिंग करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप ऑफ मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज की जगह पे हो जाएगा इंक्रीजेस, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग साइज, विथ इंक्रीजिंग साइज, साइज के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है कि बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे H2S की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होती है, H2SC से इसकी कम होती है H2TE से। ठीक है, पोलोनियम तो भाई रेडियोएक्टिव है, ठीक है, इसलिए हम उसको ऑर्डर में नहीं लिए हैं, ले भी सकते हैं लेकिन रेडियोएक्टिव एलिमेंट को ऐड करना कोई वो नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया ये इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी जो है कि डाउन द ग्रुप जाकर के घटेगी या बढ़ेगी? अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाएगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, नहीं बोलोगे? ठीक है, यहां पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसके बाद नीचे जाने पे और क्या होता है, नीचे जाने पे और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस
डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ग्रुप और इन सारे के कारण जो है कि एसिडिटी नीचे की ओर बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन जो जितना जल्दी देगा वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो नीचे इन दोनों के कारण क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप, ठीक है। यही ऑर्डर हम यहां पे लिख सकते हैं सबके लिए, इन तीनों के लिए, ठीक है। H2S less than H2SE and H2PE, ये जो जितने पॉइंट है इन तीनों पॉइंट के लिए काम करेगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ ले लें, इधर जाते हुए बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, चाहे हम डिसोसिएशन एंथैल्पी ले लें, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं लेंगे हम यहाँ पे, ये वाला नहीं लेंगे। इसके लिए हमें ऑर्डर लिखना पड़ेगा दूसरा, इसको हम फिर से लिख देते हैं एक अलग से, इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो H2S less than H2SC less than H2PE, ये हमारा बॉन्ड लेंथ हो गया इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ और इंक्रीजिंग एसिडिटी, इसको नोट कर लिया होगा इंक्रीजिंग एसिडिटी, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। और अगर ऐसे बनाए H2S H2SE और H2PE, तो ये हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या है डिक्रीजिंग, आई बात समझ में। अब अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी नीचे जाकर के क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी नीचे जाकर के घटती जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाती है। तो अगर यहाँ पे भी ऑर्डर अगर बनाएंगे तो H2S की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है H2SC से और ये ज्यादा है H2PE से, ये थर्मली लेस स्टेबल है, थर्मली क्या है, लेस स्टेबल है, आई बात समझे।
ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का, नोट कर लिया इसको, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन क्या है H2O, इज हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा होता है। बाकी जो हाइड्राइड ऑफ अदर एलिमेंट है वो क्या है, वॉलेटाइल है, वो गैस है, ठीक है। हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर गैस एज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों नहीं बनाते हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का नीचे जाकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कि वो बढ़ता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़ने के पीछे रीजन तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, मगर धीरे धीरे जो मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाकर के बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का, वो उसके पीछे रीजन है कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे जाकर के हाइड्राइड में बढ़ता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम ग्रेजुअली 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 इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इंक्रीज इन वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्स फोर्स नोट कर लिया होगा इसको, साथ साथ नोट करते चलो, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन due to increase in van der waal force, increase in van der waal force of attraction, force of attraction बढ़ने की वजह से धीरे धीरे melting point जो है सल्फर से लेकर सेलेनियम तक बढ़ता जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो सब कोई, नोट हो जाए तो बता दो। हो गया नोट,
चलो ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे ये एक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्राइड्स हाइड्रोजन, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी विद द ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद द ऑक्सीजन बहुत थोड़ा सा देखेंगे, समय बहुत कम है। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, अब खुद ऑक्सीजन से क्या रिएक्टिविटी है इस फैमिली के एलिमेंट के, ये क्या क्या बनाते हैं, ये डाइऑक्साइड बनाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ टाइप EO2 टाइप और EO3 टाइप एंड कर देते हैं, एंड EO3 टाइप, वेयर ई क्या है, ई हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी, सेलेनियम भी और टेलुरियम भी, पोलोनियम भी, लेकिन हम पोलोनियम पे ज्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि पोलोनियम रेडियोएक्टिव है। ऑक्साइड तो बनाएगा ही, ऑक्साइड बनाएगा ही, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो O3 बस एक लाइन लिखेंगे, O3 एंड SO2 आर गैस एंड अदर ऑक्साइड्स आर सॉलिड, ठीक है। यदि कहने का मतलब है SCO2 और TeO2 ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो आज ने इतना ही, कल हम लोग जो इसके आगे अभी इसमें और भी पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बेसिसिटी, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। और कल हमको रिएक्टिविटी विद द हैलोजन उसके स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।